आदाब नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग छोटा यूट्यूब चैनल। जितने व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइब देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो चैनल। तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, गर्ल ट्रेनिंग छोटा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हमारे होनहार स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके खड़े हुए हैं और मेरे हाथ में पासपोर्ट और वीज़ा भी रखा हुआ है, टिकट भी है। जानेंगे इनसे, जानेंगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे इनका सिलेक्शन हो गया, अरे कहाँ जा रहे, क्या सैलरी में जा रहे, कौन सी कंपनी में जा रहे, सब चीज़ जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारे पास में बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, बहुत सारा ट्रेड है हमारे पास में, खास करके 47 ट्रेड है जो हमारे, खास करके जो टॉप ट्रेड चल रहा है एसी एंड एचवीएसी, और सेफ्टी ऑफिसर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, आर्गर आर्गन वेल्डिंग, वो क्वालिटी कंट्रोलर, लैंड सर्वेयर, वाटर ट्रीटमेंट, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो कैड, लैंड सर्वेयर, साथ ही साथ अर्थ मूवर्स में एक्सकेवेटर, जेसीबी, लोडर, ग्रेडर, टावर क्रेन, मोबाइल क्रेन, फॉरक्लिफ्ट, बहुत सारा ट्रेड है। आप कोई भी एक ट्रेड में चूज कर सकते हैं अपना पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपना ट्रेड को चूज कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे आप दिल से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और मेहनत करके कीजिए, तभी आप सक्सेस हो जाएंगे। बहुत सारे बंदे आते हैं यहाँ पर, कभी कभी होता है कि वो आते हैं, एडमिशन लेते हैं, कोई इसको बोल दिया ये ट्रेड में नहीं, वो ट्रेड में चेंज कर दो, हम लोग भी थक जाते हैं ट्रेड चेंज करते करते। कभी कभी आते हैं, एडमिशन लेते हैं, सर मेरा अच्छा नहीं लगा, घर चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत आ करके यहाँ एडमिशन लीजिए, खुद भी परेशान होंगे, हम लोग भी परेशान, हम लोग को भी कीजिएगा, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, पैसा भी आपका डूब जाएगा। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल मजबूती से आइए, 100% श्योर हो जाइए कि मेरे को आना है, यहाँ पर मेहनत करना है। तकलीफ थोड़ा सा होगी, बहुत सारी तकलीफ होगी, तकलीफ थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी तकलीफ होगी। खाने पीने में भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाएगी, रहने भी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से पीछे अगर हटेंगे तो बिल्कुल भी मत आइए, अगर मेहनत करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं इसी के तरह आप लोग भी बन पाएंगे। हम लोग दुआ करते हैं, हमारे घर सारे फैकल्टी, हमारे स्टाफ काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, साथ ही साथ लड़के लोग भी मेहनत करते हैं, आज इस मुकाम पर पहुँचे तो इन लोग का मेहनत है। और यही कारण है कि हमारे पास में बहुत सारे लड़के आते हैं तो उन लोग का सिलेक्शन भी हो जाता है, ट्रेनिंग पीरियड में सिलेक्शन हो जाता है। हमारे जैसे तकिए कलाम है कि एक हाथ में सर्टिफिकेट, एक हाथ में जॉब, ये हमारी तकिया कलाम है। और इसको साबित करने के लिए हमारे होनहार स्टूडेंट इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? अमीन अंसारी, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है? अमीन अंसारी, सिवान से बिलोंग करते हैं। अमीन अंसारी सिवान से बिलोंग करते हैं। क्या है क्वालिफिकेशन आपकी, क्या है? इंटर। इंटर, आगे नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँच गए, जमशेदपुर में गर्ल ट्रेनिंग शूट कैसे पहुँचे? यहाँ पे सर हम पता किए कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए। और कैसे पता चला आपको? हमको YouTube के जरिए पता चला सर। पता चला, तो उसमें कोई फेक नहीं लगा YouTube जब देख रहे थे तो? नहीं सर, उसमें फेक कोई नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, सब ठीक लगा। जो सोच रहे थे वो सारा चीज ठीक लगा, जो हमको सोच रहे थे वो सारा हमको कामयाबी मिल गया। अच्छा, हम जिस ट्रेड, क्या सोच के यहाँ पर एडमिशन लिए थे? हम ये सोच कर लिए थे कि सर यहाँ पे जाएंगे तो कुछ बनना है, कुछ पाना है, घर के लिए कुछ करना है। अच्छा, मैं ये सुना हूँ कि आप अमीन अंसारी ये मैं सुना हूँ कि आपके पास जितने भी बैच में एडमिशन लिए थे लगभग सभी का हो गया, आखिरी में आप बचे थे, क्या सही है? जी सर, मेरा भी हो गया था मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने नहीं किया। बैच में कितने लड़के पढ़ रहे थे? 25-30 बंदा था बैच में। सभी का लगभग हो गया? सभी का हो गया, सभी लोग कमा रहे। अच्छा, हम ये बचे हुए हैं। बातचीत होती है उन लोग से? हाँ होती है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा कैसा है? अच्छा कर, सब कोई बढ़िया है, मैं भी ट्राई किया दोबारा फिर से। आपका नहीं होने का कारण क्या था? मेरा कुछ मेडिकल इशू हो गया था, इसके वजह से मैं अनफिट हो गया था। अच्छा, अभी आपका हो गया है? हाँ, अभी तो। कौन सी कंपनी के लिए हुआ है, कहाँ के लिए? दुबई के लिए, अल्फुतैन कंपनी। अल्फुतैन, जी सर। सैलरी वगैरह क्या है? सैलरी वही 1700+200 है। खुश है? जी सर। में जी सर, कम नहीं है? नहीं सर, फ्रेशर के लिए अभी उतना ही सही है। फीस कितना लगा यहाँ आपका? यहाँ पे 25 लगा। कितना समय लगा? 4 महीने। यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद आपको क्या क्या सीखने मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारा कुछ सीखने में हमको मिला, जो हमको कुछ पता नहीं था सर, एचपीएससी क्या होता है, हमको यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, एचयू क्या होता है। जी सर, कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था हमको, यहाँ पे आने के बाद सब हमको नॉलेज हो गया। मैं अभी आपसे चाहूंगा कि आप हमारे न्यू कमर जो है, न्यू स्टूडेंट जो आते हैं आके यहाँ एडमिशन लेंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या चीज की तैयारी करके यहाँ पर आए? उन लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि उन लोगों को दिल में जो भी, अगर ट्रेड जो भी हो चूज करना चाहते हो चूज करें, और बिना लगन और मेहनत का कोई भी काम सफल नहीं होगा। बिना आप लगन मेहनत के करेंगे तो कोई भी काम सफल नहीं होगा, अपने
लगन पे करना चाहिए, अपन ठान के आना चाहिए हमको ये करना है तो ये करना है, बस करना है तो वाला करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आते हैं, कभी ये ट्रेड में आते हैं तो कुछ दिन के बाद फिर दूसरा ट्रेड चेंज कर देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद दूसरा ट्रेड चेंज कर देते हैं, क्या ये उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? आप क्या मैसेज उनके लिए? सर वो जैसे बीच धारा नदी जैसे रहता है, उसको बीच धारा में रुक जाता है वैसे भी उसका जीवन रुक जाएगा, इसके लिए कोई एक निर्णय लेकर चलना चाहिए आदमी को, हमको ये करना है। अच्छा, ऐसे इधर उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए एक निर्णय लेकर चलना चाहिए। वेरी गुड, ये आमिन का कहना है कि एक निर्णय, एक सटीक निर्णय ले लीजिए कि हाँ मेरे को इसी में रहना है तो इसी में टिक के काम करना है। और एक चीज पूछेंगे कि जब आप इंटरव्यू में गए तो क्या चीज का तैयारी करके गए थे, थोड़ा सा वो बताइए। हम इंटरव्यू में गए थे तो सर हम अपना बेस तैयार करके गए थे, बेसिक नॉलेज लेके गए। जी सर, बेसिक नॉलेज लेके गए थे और इंशाल्लाह सर पढ़ाए थे पढ़ाए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी किया था और उसी में सिलेक्शन हो गया। आखिरी दो सवाल की, आप बहुत सारा इंस्टीट्यूट आप यूट्यूब में वगैरह देखे होंगे या कोई भी बताया होगा तो जमशेदपुर में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, सबको छोड़ के जीटीआई गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किए, क्या कारण था? सर हम इसलिए चूज किए कि हमको इधर उधर का बात नहीं सुनना था, हम बस अपना लक्ष्य लेकर आए थे, जो लक्ष्य सोचे थे वो सारा चीज हो गया। हम लक्ष्य लेकर आए थे, हमको ये करना है, हमको कुछ करना है, बस वही सब किए। आखिरी सवाल अमीन की, आप अगर बहुत सारा ट्रेड मेरे पास में हमारे इंस्टीट्यूट में, मैंने बताया अभी कि बहुत सारा ट्रेड है, सबको छोड़ के एसी एसबीएससी चूज करने का क्या मतलब? ये सर एचई एसबीएससी सर, ये अगर अपना चाहे तो बिजनेस भी कर सकता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है, बहुत बाहर में भी काम कर सकते हैं, बाहर में भी काम है, घर में भी काम है। जी सर, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर अच्छा। जी सर बहुत सैलरी से खुश है आप? जी सर। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स लोग को? आखिरी सवाल है कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे आए और अपना भविष्य को बेहतर करने के लिए यहाँ पे कुछ करें। ये इनकी पासपोर्ट है, मैं अपने व्यूअर्स लोगों को मैं बता दूं कि ये इनकी पासपोर्ट है और वीजा भी है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये इनकी वीजा कॉपी है, ये देखिए पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी इनका आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर में सारा चीज लिखा हुआ, 1700 प्लस 200 लिखा हुआ है फूडिंग के लिए, और ये कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है, और इनका टिकट भी बन गया, टिकट कब का बना है इनसे जानेंगे, ये टिकट भी बना है और ये वीजा भी है, ये देख लीजिए वीजा भी है। टिकट कब का है आपका? 17 तारीख को 17 अगस्त। चलिए माशाल्लाह, आप यहीं से फ्लाइट कर रहे हैं, आपके लिए खुशी की बात है, और हम मेरे आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ, मैं भी अमीन को छोटा सा एक भेंट देना चाहता हूँ, ये हमारी छोटी सी भेंट है जो कि मनी पर्स इसलिए देते हैं कि इसमें पैसा खूब कमाइए, खूब रखिए, और ये इनकी यह टिकट और वीजा है, यह टिकट वीजा ऑफर लेटर इसमें है माशाल्लाह, अमीन पकड़िए, और ये आपकी पासपोर्ट है जो कि ये भी पकड़िए माशाल्लाह, और छोटा सा एक यादगार के लिए ये हमारे मेडल दे रहे हैं कि ये इसी तरह से आप जाइए, खुशी खुशी जाइए, ये इनके लिए है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है इस तरह के लड़के आते हैं। सॉरी, इनके लिए भी मेरे पास में कुछ है, ये छोटा से मनी पर्स है, इसको पकड़िए, और साथ ही साथ एक गिफ्ट भी है हमारे तरफ से है, ये मेडल है आपका, टोपी निकाल दीजिए, ये मेडल भी है और पहन लीजिए, ये ऑफर लेटर है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम आपका, कहाँ से हो आप? मोहम्मद नजार अंसारी मेरा नाम है सर, मैं यूपी बलिया से हूँ। यूपी बलिया से हैं जी, और यहाँ कैसे पहुंचे आप? YouTube से सर, YouTube के माध्यम से। क्या YouTube में जो देखे क्या वो चीज सही था या कुछ लगा अटपटा सा लगा यहाँ जब रह के सीख रहा था, सारा कुछ फेक तो नहीं लगा? नहीं, फेक बहुत सारे हमारे कमेंट्स बॉक्स में आता है, अरे मत जाओ, फंस जाओगे, दिस दैट है, ये है वो है। नहीं सर, कुछ लड़के यहाँ आते भी तो भटक जाते हैं, किसी का बात सुन लेते हैं तो भटक भी जाते हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं सर, मैं पॉजिटिव सोच के ही आया था सर, तो नेगेटिव सोचने की। आपकी एज कितनी हो रही है? मेरा 24 हो रहा है सर। 24, माशाल्लाह। पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई डिप्लोमा है सर, डिप्लोमा किए थे, मैकेनिकल से डिप्लोमा किए थे, इसीलिए आप जल्दी क्वालिफाई कर गए। जी जी। आपके बैच में कितने लड़के थे? मेरे बैच में 42 लड़के थे सर। 42 लड़के थे, और उसमें से आपका अंदर में क्या सा मिला जो क्लाइंट आपको सिलेक्शन कर दिया? सर वो तो कैसा तैयारी आपकी कैसे रही जो क्लाइंट आपको सिलेक्शन करे? सर पूरा किए सर, तैयारी पूरा, जब से आए तब से दिन रात पढ़ते थे सर, महीने में। जो सर जो पढ़ाए, सर का जो गाइडलाइंस रहा आप पर, वो कैसा रहा? मतलब बहुत असरदायक रहा सर, सर ने जो भी क्वेश्चन आंसर लिखवाया उसमें से ज्यादातर क्लाइंट ने यही सब क्वेश्चन किया जो सर लिखवाया है सब। अच्छा, आप जब एडमिशन ले रहे थे कभी भी मन में दुविधा नहीं आई कि पता नहीं मैं ले रहा हूँ, पैसा इतना लग रहा है, फंस जाऊंगा, दिस दैट, ऐसा कुछ आया मन में? नहीं सर, नेगेटिव थिंकिंग नहीं था, नहीं सर, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। जी, मैं वही, तो इसी यही वजह से कि आप एक हाथ में सर्टिफिकेट एक हाथ में जॉब लेके जा रहे हैं, हमारी तकिया कलाम भी है, लोगों को बता दो, एक हाथ में सर्टिफिकेट एक हाथ में जॉब, हमारी तकिया कलाम रहती है, और साथ ही साथ एक तकिया कलाम और भी है
कि गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो नारा रहता है आपकी उड़ान हमारी पहचान, ये दोनों बंदे उड़ेंगे तो हमारी पहचान बनेगी। ये भी खासियत है कि हमारे फैकल्टी हमारे स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, साथ ही साथ लड़के लोग का पीछे लगे रहते हैं किस तरह से इंटरव्यू देना है, कहाँ देना है, एडिशनल क्लास कैसा मिलेगा, इंटरव्यू में कैसा आएगा, कौन सा कंपनी अच्छी है कौन सा कंपनी अच्छी नहीं है। आपको यहाँ पढ़ाई के दरमियान ट्रेनिंग के दरमियान कैसा पता चला कि इंटरव्यू है और इंटरव्यू देना है? सर स्टाफ लोग जो हैं सर बताया सर बता देते हैं, सर नोटिस में भी आ जाता है जी जी, सर और एक ग्रुप भी बनाया है, ग्रुप में भी आ जाता है जी जी सर। तो आज क्या बोलना चाहोगे हमारे विदेश लोग, क्या बोलोगे? सर हम यही कहेंगे सर कि अगर आप जो भी ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हैं वो आप आइए गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, पता कीजिए कौन सा करना है हमको, सोच के ही वहीं से आइए और आके यहाँ पे एडमिशन लीजिए और पढ़िए। और आपने कौन सी कंपनी में हुई? मेरा अल्फुतेन में हुआ है सर। अल्फुतेन में, दुबई में सर। दुबई में अल्फुतेन में हुआ। क्या सैलरी वगैरह क्या है? 1700 प्लस 200 फुट का है सर। तो आप डिप्लोमा करके 1700 1900 में मतलब ठीक है या कुछ? ठीक है सर, फ्रेशर के लिए, फ्रेशर के लिए ठीक है सर। आगे इंशाल्लाह आप सुपरवाइजर या फोरमैन या जी जी कुछ भी इंजीनियर भी बन सकते हो। मैं दुआ करता हूँ कि आप जाओ माशाल्लाह खुशी खुशी जाओ। और ये इनकी देखिए ये इनकी वीजा है और ये इनकी पासपोर्ट भी है माशाल्लाह, देखिए इनकी पासपोर्ट भी है। और थैंक यू सर, इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम आ गए जीटीआई में एडमिशन ले लिए तो आपका तुरंत फ्लाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा ना सोच के आए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह का इनबिल्ट करना पड़ेगा कि भाई आप उस तरह से माहौल में ढल जाओ कि हर प्रॉब्लम को सह करके आपको आगे बढ़ना है। और हमारे फैकल्टी जिस तरह से गाइडलाइन दे रहे, हमारे स्टाफ लोग जिस तरह से गाइडलाइन दे रहे, उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो जाएगा, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यही हो जाए कि हमारे पास में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो कामयाब बन के जाते हैं, हमारे लिए और इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत खुशी की बात है। आप अगर चाहते हैं गर्ल ट्रेनिंग पढ़ा करके ट्रेनिंग लेने के लिए, स्क्रीन पे नंबर दिया 9334820330 9471308285, दोनों नंबर पे फोन करें, डिटेल जान कर ले लीजिए। वीडियो अगर ऐसा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ये हमारी वेबसाइट नंबर है, वेबसाइट पे आप www.gtijsr.com इस पे भी विजिट करके देख सकते हैं। हमारे फेसबुक है गर्ल ट्रेनिंग इंस्टाग्राम से, फेसबुक है हमारे, इंस्टाग्राम है गर्ल ट्रेनिंग इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम इस पे भी विजिट करके बहुत सारा टीचर इसमें ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और फोन करके जरूर पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सा ट्रेड करना है, कैसे करना है, ये गर्ल ट्रेनिंग सर कहाँ पर है, जरूर इंशाल्लाह देख लीजिएगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बाकी दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।